हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 का ऑसिलेशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होगी, ये होगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना क्या है, प्रूव क्या करना है, बताना क्या है। तो इसमें हमें ये प्रूव करना है कि अगर कोई बार मैग्नेट, जिसको एक अलग नाम है मैग्नेटिक डायपोल, अगर उस मैग्नेटिक डायपोल को हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हैं, तो वो मैग्नेटिक डायपोल एक्सटर्नल फील्ड में क्या करता है, SHM परफॉर्म करता है, वाइब्रेट होने लग जाता है, ऑसुलेट होने लग जाता है। अभी ऑसुलेशन, वाइब्रेशन या SHM तीनों सेम है, उसका डेफिनेशन या फिर उसके टाइप्स कितने हैं, दो टाइप्स है, एक है लीनियर SHM, दूसरा एंगुलर SHM, दोनों हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, दोनों का डेफिनेशन हमें याद होना चाहिए। ठीक है, अगर चाहो तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है विनय कुमार राजपूत और फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल ओमेगा क्लासेस में। और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कैसा है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना लेता हूँ। यह है हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस तरह से उसको डिनोट किया जाता है। और किससे डिनोट करते हैं हम, बी बार से। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो बार लगा दिया है ऊपर, उसमें एक मैग्नेट रख देंगे। अभी कौन सा मैग्नेट रखेंगे, तो बार मैग्नेट रखेंगे, और बार मैग्नेट से ही हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। और बार मैग्नेट को ही दूसरा नाम है मैग्नेटिक डायपोल। ये बार मैग्नेट ऐसा होता है, ठीक है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये दो पोल से सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस। इनके बीच का भी जो फाइनाइट डिस्टेंस होगा वो कितना होगा मालूम है, 12, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़ा है पिछला ही वीडियो है मेरा। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल का, उसमें आप देख सकते हो कि जो वहाँ पे क्या होते थे, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं और उनके बीच में कुछ तो डिस्टेंस होता है, उसको भी 2L से ही डिनोट करते हैं। इसको बोलेंगे मैग्नेटिक लेंथ, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेट के बारे में बात करते हैं। तो मैग्नेट में कितने पोल होते हैं, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, इसी की वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, मैग्नेट भी बोलो या मैग्नेटिक डायपोल भी बोलो चलेगा, लेकिन मैग्नेटिक डायपोल बोलना ज़्यादा करेक्ट रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक मैग्नेट को इसमें रख देता हूँ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। अभी मैग्नेट में एक कोरिलेशन ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का। जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू लिखते हैं ना, तो उसका इक्विवेलेंट क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, किसमें, मैग्नेटिज्म में। ठीक है, जो साउथ पोल होता है उसकी इक्विवेलेंट हम लेते हैं निगेटिव चार्ज। ठीक, तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने भी एक जो इलेक्ट्रिक डायपोल था उसको ऐसे ही रखा था, ऊपर प्लस क्यू था, नीचे माइनस क्यू था, उसी के हिसाब से हम इसमें डायग्राम ड्रॉ करेंगे। आपके बुक में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक में डायग्राम थोड़ी अलग दी है, क्या करा है उसने, कुछ नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी खड़ी कर दी है, ऊपर पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी है और उसमें रख दिया है। लेकिन अब जब हम हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे तो उससे आपको समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, जितना आसानी से समझ में आए उतना अच्छा है। ये जो है मैग्नेटिक लेंथ जो है वो कितना एंगल बना रही है, थीटा, किसके साथ में, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। तो क्या लिखेंगे, कंसिडर अ मैग्नेट और अ बार मैग्नेट और अ मैग्नेटिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज एक्सटर्नल एज शोन इन द फिगर। द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ दिस मैग्नेट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ में ये जो मैग्नेटिक लेंथ है वो कितना एंगल बना रही है, थीटा जितना। अभी क्या करेगा, इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इस नॉर्थ पोल पे भी फोर्स लगाएगी और इस साउथ पोल पे भी क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। और फोर्सेस कैसे होंगे, देखो जो फील्ड होती है वो क्या काम करती है, जो डायपोल को रखा है ना इस दिशा में इस तरह से, उस डायपोल को अपने साथ में अलाइन करने का प्रयास करती है। फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल पे फोर्स लगाए या फिर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डायपोल पे फोर्स लगाए, मतलब क्या बता रहा हूँ मैं, अगर ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में और हमारा जो लेंथ है वो ऐसा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, इस मैग्नेट को ऐसा क्लॉकवाइज रोटेट करने का प्रयास करती है और कर भी देती है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो बोलती है कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल हूँ
तो इस मैग्नेटिक डायपोल ने भी क्या हो जाना चाहिए, हॉरिजॉन्टल हो जाना चाहिए। अभी हॉरिजॉन्टल कैसे करेगी, इसको ऐसा रोटेट कर देगी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड ट्राई करती है कि इसको क्लॉकवाइज रोटेट करे, और वो रोटेट कर भी देती है ताकि मैग्नेटिक डायपोल आपका कैसा बने, ऐसा बने, हॉरिजॉन्टल हो जाए। ठीक है, तो व्हाट मैग्नेटिक फील्ड डज, मैग्नेटिक फील्ड ट्राइज टू ब्रिंग द मैग्नेट इन द प्लेन ऑफ इट्स डायरेक्शन। ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या है, ऐसा हॉरिजॉन्टल। तो ये भी क्या करती है, मैग्नेटिक डायपोल को हॉरिजॉन्टल बनाने का प्रयास करती है। ठीक है, ओके, तो वो फोर्स कैसा रहेगा, इस पे कैसा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, देखो हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स जो होता है उसका डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के जैसा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है पॉजिटिव मतलब नॉर्थ, तो नॉर्थ पे जो फोर्स लगेगा इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो भी किधर लगेगा, जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है। और इस निगेटिव पोल पे या फिर साउथ पोल पे कैसा फोर्स लगेगा, ऐसा। ठीक है, अब ये फोर्स कितना होता है, ठीक है, हमने पढ़ा है उसमें क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाती है, क्यू ई। तो अभी क्या होता है, अभी क्यू की जगह यहाँ पे ले लेता है क्यू एम। अभी क्यू एम मतलब क्या होता है मालूम है, क्यू एम होता है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, जिसको डिनोट करते हैं क्यू एम से। ये जो दो पोल्स हैं ना मैग्नेट के, एक नॉर्थ पोल है दूसरा साउथ पोल है, उनके पास में अट्रैक्शन करने की या रिपल्शन करने की जो स्ट्रेंथ है उसको बोलते हैं क्यू एम या पोल स्ट्रेंथ। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स का फॉर्मूला होता है Q into E, वैसे यहाँ पे हो जाएगा क्यू एम into B। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे किसको लिख देंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड को लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, क्यू एम into B, और यहाँ पे भी कितना फोर्स लगेगा, क्यू एम into B, लेकिन ये वाला माइनस। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एक का इधर है पॉजिटिव दिखा देंगे, एक का इधर है निगेटिव। अब ये दोनों फोर्सेस देखो कैसे है, इक्वल है, अपोजिट है और नॉन कोलिनियर। तो ये दो फोर्सेस की जो पेयर है ना, जिनकी प्रॉपर्टी ऐसी है, ये पेयर क्या बनाती है मालूम है, ये पेयर बनाती है कपल। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में, फिर से कपल क्या होते हैं, दो फोर्स की पेयर होती है। कपल क्या होता है, दो फोर्सेस की पेयर होती है। वो पेयर क्या करती है, मान लो किसी जो बर्तन है उसका ढक्कन अगर खोलना है तो हम ऐसा फोर्स लगाते हैं, तो कुछ फोर्स इस दिशा में लगता है और इक्वल फोर्स इस दिशा में लगता है। तो ये दो फोर्सेस जो है वो इक्वल अपोजिट है, लेकिन एक का डायरेक्शन ऐसा है, एक का डायरेक्शन ऐसा है, इक्वल अपोजिट और नॉन कोलिनियर, मतलब दोनों एक पॉइंट पर नहीं लग रहे, एक बॉडी के कोई इस पार्ट पर लग रहा है और कोई इधर के साइड दूसरे पार्ट पर लग रहा है। तो ऐसे जो फोर्सेस है वो क्या बनाते हैं, कपल। और कपल क्या प्रोड्यूस करता है, कपल प्रोड्यूस करता है टॉर्क। और टॉर्क की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, टॉर्क की वजह से प्रोड्यूस होता है प्योरली रोटेशनल मोशन। अगर प्योरली रोटेशनल मोशन होगा इस डायपोल पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। टॉर्क की वजह से क्या होगा, ये डायपोल है ना ऐसा रोटेट करने लग जाएगा। तो वही मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, इस मैग्नेटिक डायपोल को रोटेट कर देती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। टॉर्क कितना लगता है वो भी हमें निकालना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला है एकदम सिंपल, वन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों में से कोई भी एक उठाओ और उन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना रहा, जिसको मैं डिनोट कर देता हूँ एच से। तो एच निकालते हैं, बहुत सिंपल है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल मान लो, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, उसमें टैन थीटा सॉरी साइन थीटा यूज़ कर लेते हैं। अपोजिट अपॉन, ये कितना होता है, मैग्नेटिक लेंथ 2L, ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, देखो ये हाइट है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस कितना है, 2L, एच अपॉन 2L, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2L साइन थीटा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया। एक फोर्स कितना है, क्यू एम इंटू बी, क्यू एम मतलब पोल स्ट्रेंथ, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 2L साइन थीटा। तो इसको ढंग से लिख दूँ, क्यू एम इंटू 2L इंटू बी साइन थीटा, क्यू एम इंटू 2L। इलेक्ट्रिक चैप्टर में अगर आप देखोगे तो Q इंटू 2L को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूमेंट। तो मैग्नेटिक चैप्टर में क्या करा जाएगा, क्यू एम मतलब पोल स्ट्रेंथ, जो कि चार्ज की जगह ले लेता है। ठीक है, और 2L तो क्या है, इधर मैग्नेटिक लेंथ है, उधर क्या था, इलेक्ट्रिक लेंथ था, इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है, यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। आपके बुक में मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को म्यू से डिनोट किया है,
तो हम भी क्या करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। बी तो एज इट इज रहेगा, म्यू बी साइन थीटा। तो ये हो गया टॉर्क। ये टॉर्क कौन लगाएगा? ये वाला टॉर्क लगाएगी अपनी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किस पे लगाएगी? इस मैग्नेटिक डायपोल पे। तो मैग्नेटिक डायपोल पे इतना टॉर्क लग जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अभी टेम्पररी इस टॉर्क को लिख लेता हूँ, और बाद में हम क्या करेंगे, इस मैग्नेट को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस मैग्नेट पे एक्सटर्नल टॉर्क लगाएंगे, और वो एक्सटर्नल टॉर्क क्या करेगा, ये जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड का जो टॉर्क है, मान लो इस दिशा में है, किस दिशा में है, क्लॉकवाइज, तो हम क्या करेंगे, उसको हल्का सा एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट देंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेट क्या परफॉर्म करने लग जाएगा, वो सारा स्टडी हम करते हैं। तो चलिए पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, वो कितना टॉर्क लगाती है मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक डायपोल पे, यू बी साइन थीटा जितना। तो इसी में थोड़ा लिख लेते हैं, अगर थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा इज वेरी स्मॉल एंड मेजर्ड इन रेडियन, ये पुराना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ठीक है, साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो साइन जीरो के आसपास इज इक्वल टू थीटा भी क्या, जीरो के आसपास, एकदम इजी कंसेप्ट है। तो देयरफॉर टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू म्यू बी थीटा। ठीक है, टॉर्क है ना वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो उसका डायरेक्शन कैसे होगा, क्या होगा, अभी हम उसको ठीक से देखते हैं। मान लो मैंने क्या किया, सपोज वी डिस्प्लेस्ड द टॉर्क, वी डिस्प्लेस द मैग्नेटिक डायपोल, सपोज वी डिस्प्लेस द मैग्नेटिक डायपोल थ्रू एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मान लो इसका टॉर्क लगा रही है ना, उसका डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, वो कैसे कैसा रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होगा, क्लॉकवाइज रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन हमने क्या करा, एक्सटर्नल टॉर्क लगाया और इस मैग्नेटिक डायपोल को थोड़ा ऐसा एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसको रोटेट करना है। कैसे रोटेट करेंगे, मान लो ये डायपोल ऐसा है हमारा, ठीक है, इसको ऐसा दे दिया, इस पर टॉर्क कैसा लग रहा है, इस पर टॉर्क ऐसा लग रहा है। अभी हम इसको एक्सटर्नल टॉर्क कैसे लगाएंगे, ऐसा लगाएंगे। तो जैसे ही एक्सटर्नल टॉर्क इस पर ऐसा लगेगा, तो ये किसके अराउंड रोटेट हो रहा है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इसके प्लेन को ऐसा परपेंडिकुलर एक्सिस है, मान लो ऐसा रोटेट हो रहा है। अगर कोई चीज़ ऐसी रोटेट होती है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई एक एक्सिस होगा जिसके अबाउट ये बॉडी क्या हो रही है, रोटेट। तो ये एक्सिस क्या है, इट इज़ एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ दिस डायपोल एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ, या फिर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा कोई हमने उसको रोटेशन दे दिया थ्रू एंगल थीटा, हमने क्या लगाया, इस पे एक्सटर्नल टॉर्क लगाया। एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से इसको एक एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने दे दिया। इसके वजह से क्या होगा, इसकी वजह से प्रोड्यूस होगा रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, अगर आपको ब्लॉक और स्प्रिंग वाला एक्सपेरिमेंट याद होगा, हम क्या करते थे, ब्लॉक को उधर लेके जाते थे और स्प्रिंग उसको इधर खींचता था। ठीक है, अभी इसमें भी वही कंसेप्ट है, हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को एंटी क्लॉकवाइज लेके जा रहे हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है अभी उसको क्लॉकवाइज खींचेंगे। तो स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप होता था उसको हम बोलते थे रेस्टोरिंग फोर्स, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप करेगी वो होगी टॉर्क, और वो टॉर्क कौन सी होगी, वो होगी रेस्टोरिंग टॉर्क, और रेस्टोरिंग टॉर्क यही होती है। तो रेस्टोरिंग टॉर्क जो लगेगी किस पे, इस पे मैग्नेटिक डायपोल पे, वो कौन सी होगी, इतनी। ठीक है, अभी मान लो इफ थीटा इज डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय अस, कौन सा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और जो टॉर्क है हमारा, टॉर्क कैसा है, एक्सटर्नल टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज, और रिस्टोरिंग टॉर्क कैसा है, रिस्टोरिंग टॉर्क है क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर हमने इससे और थीटा जितना डिस्प्लेसमेंट ऊपर दे दिया, हमारे डिस्प्लेसमेंट जो है, गिवन डिस्प्लेसमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और रिस्टोरिंग टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। तो गिवन डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क, इनका डायरेक्शन क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू माइनस म्यू बी थीटा। अभी माइनस म्यू बी थीटा क्यों, माइनस साइन क्यों, क्योंकि आवर गिवन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय अस इज अपोजिट टू द रेस्टोरिंग टॉर्क, और द रेस्टोरिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस डायपोल इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय अस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा।
अभी टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, इसको थोड़ा सा रिलेट करो लीनियर SHM की डेफिनेशन के साथ में, या फिर इसके पिछला जो वीडियो था एंगुलर SHM के साथ में। तो एंगुलर SHM का डेफिनेशन क्या बनाया था हमने, कि ऐसा SHM, ऐसा मोशन, टू एंड फ्रो वाला मोशन, जिसमें क्या होता है एक बॉडी एंगुलर टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगी, और जिसमें क्या होगा जो उस बॉडी पे लगने वाला टॉर्क होगा और जो एक्सेलरेशन होगा, टॉर्क एंड एक्सेलरेशन, टॉर्क फॉर टॉर्क, और ये है अल्फा। दिस अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टॉर्क बोथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बट देयर डायरेक्शंस विल बी अपोजिट टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये होती है एंगुलर SHM की डेफिनेशन। लीनियर SHM की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट देयर डायरेक्शन इज अपोजिट टू द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से एंगुलर SHM की डेफिनेशन बनती है। तो इसमें भी हमें वही दिख रहा है कि ये जो मैग्नेट है उस पर जो रेस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, वो जो रेस्टोरिंग टॉर्क होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द डिस्प्लेसमेंट गिवन बट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क एंड डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट। तो डेफिनेशन को रिलेट करेंगे तो हम बता पाएंगे इसमें कि देयरफोर जो मैग्नेट होता है वो मैग्नेट क्या करता है, वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करना मतलब क्या, SHM परफॉर्म करता है व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। कौन सी फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कैसे, डेफिनेशन से। अभी टॉर्क का फॉर्मूला है रोटेशनल डायनेमिक्स, आई अल्फा, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क की जगह पे ए डाल दो, माइनस थीटा, अल्फा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कांस्टेंट होता है अबाउट गिवन एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट होता है। तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा अपॉन आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बट इट्स डायरेक्शन इज एग्जैक्टली अपोजिट। तो ये जैसे लीनियर SHM के लिए ये वाला डेफिनेशन था, वैसे ही एंगुलर SHM के लिए ये वाला डेफिनेशन है, और ये वाला डेफिनेशन फॉलो किया जाता है किसमें, इस मोशन में। तो ये जो हमारा मैग्नेट है, ये मैग्नेट क्या होने लग जाता है, वाइब्रेट होने लग जाता है मैग्नेट इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता रहेगा, SHM परफॉर्म करता रहेगा। और वो वाला SHM कौन सा SHM होगा, वो वाला SHM होगा आपका एंगुलर SHM, ठीक है। तो इस एंगुलर SHM का टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस एंगुलर SHM का टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारे पास जो लीनियर के लिए है उसी तरह से। तो टाइम पीरियड ऑफ इसका वाइब्रेशन होगा 2π, ठीक है, अंडर रूट एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस फॉर्मूले को हमने लीनियर में भी और एंगुलर SHM में भी इसको प्रूव किया हुआ है, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसको क्या लिखेंगे, 2π। एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट किया जाता है अल्फा से, और एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है उसको डिनोट किया जाता है थीटा से। यह आ जाएगा आपका टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ दिस मैग्नेट। दोस्तों यहीं पे हमको क्या था, हमको प्रूव करना था कि हम क्या करें कि जब मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो वो SHM परफॉर्म करता है, ये हमें प्रूव करना था। और इसमें कुछ लिख सकते हैं क्या हम, ठीक है। देखो मैं क्या करता हूँ, इसमें टाइम पीरियड का एक और फॉर्मूला है आपकी बुक में, टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट अल्फा अपॉन थीटा। कैसे निकालेंगे, अल्फा अपॉन थीटा, तो ये देखो टो इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ आई अल्फा इज इक्वल टू म्यू बी थीटा, सिर्फ टाइम पीरियड मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है। अल्फा अपॉन थीटा चाहिए तो ये अल्फा अपॉन थीटा इधर लेके आता हूँ मैं, थीटा इधर, अल्फा इधर ही, आई को उधर लेके जाता हूँ, म्यू बी अपॉन आई। तो अल्फा अपॉन थीटा क्या हो जाएगा, म्यू बी अपॉन आई, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं म्यू बी अपॉन आई। ये भी क्या हो जाएगा आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ठीक है। जैसे जैसे हमें वैल्यूज दे ही रहेंगी वैसे वैसे हम क्या कर सकते हैं, वैसे वैसे हम फॉर्मूले बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, मैग्नेट को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो SHM परफॉर्म करता है, कौन सा वाला, एंगुलर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।